पाकिस्तान के एटम बम बिल्कुल तैयार है, नो फर्स्ट यूज नीति नहीं। पाक सेना ने पहली बार भारत को धमकाया, हालांकि इधर भारत को धमका रहा था उधर पाकिस्तान में खुद हो गए हैं बड़े वाले कांड। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान के परमाणु बम की ताकत पर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर चुटकी ली और इससे बौखलाए पाकिस्तान ने अब भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के परमाणु बम की देख रेख करने वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने कहा है कि पाकिस्तान की परमाणु बम को लेकर कोई नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है। किदवई ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु बम पूरी तरीके से तैयार है। नो फर्स्ट यूज नीति का मतलब है कि किसी देश के परमाणु बम प्रतिरोध के लिए है, न कि परमाणु युद्ध के लिए। भारत नो फर्स्ट यूज का पालन करता है, लेकिन अब पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि वो जरूरत पड़ने पर परमाणु हमला भी कर सकता है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के परमाणु बम विस्फोट के दिन एक सेमिनार को संबोधित करते हुए किदवई ने कहा कि पाकिस्तान की कोई परमाणु बम को लेकर नो फर्स्ट यूज नीति नहीं है। मैं इसे दोबारा कह रहा हूँ ताकि जोर दिया जा सके। भारत के विपरीत पाकिस्तान ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वो नो फर्स्ट यूज नीति में भरोसा रखता है कि नहीं रखता है। पाकिस्तान के रणनीतिकारों को भारत के नो फर्स्ट यूज नीति पर संदेह है। उनका मानना है कि भारत कह भले रहा है लेकिन परमाणु हमला कर सकता है। भारत ने अपने डॉक्ट्रिन में कहा है कि वो पहले किसी परमाणु हथियार संपन्न देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा हमला होता है तो उसका एटमी हथियारों से करारा जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें, हाल ही में भारत में मांग उठी है कि नो फर्स्ट यूज नीति को बदला जाए, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। भारत में चल रही इस बहस से पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व घबराया हुआ है। इससे वे अब जवाबी कार्रवाई के लिए कदम उठा रहे हैं ताकि भारत पाकिस्तान के अंदर पहले कोई परमाणु हमला न कर दे। किदवई ने कहा कि भारतीय नेतृत्व को इस बारे में सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के पूरी तरीके से तैयार परमाणु बम प्रत्येक पाकिस्तानी नेता को ये स्वतंत्रता, सम्मान और साहस देती है कि वो सीधे भारत के आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कह सके और कभी झुके नहीं। पाकिस्तान की ओर से ये बयान तब आया है जब पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के परमाणु बम की ताकत पर चुटकी ली थी। पीएम मोदी ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। जनरल किदवई ने ये भी संकेत दिया है कि पाकिस्तान उभरती हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि देश के परमाणु कार्यक्रम को मजबूत किया जा सके। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के पास परमाणु बम है। किदवई ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु बमों से 2750 किलोमीटर तक भारतीय इलाके को निशाना बनाया जा सकता है। खैर, अब पाकिस्तान ये सारी बातें क्यों कर रहा है? सबसे पहले आपको बता दूं कि शुरू पाकिस्तान ने ही किया था। पाकिस्तान के नेता है फवाद चौधरी लगातार कुछ कुछ ऐसे बयान देते हैं जिन बयानों से चीजें और भड़क जाती है। जैसे कि अभी फवाद चौधरी ने ये कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भारत में पीएम मोदी की सरकार नहीं आनी चाहिए, पूरा पाकिस्तान चाहता है कि पीएम मोदी हारे इस चुनाव को। अब ये चीज फवाद चौधरी ने कही है, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। इससे पहले मणिशंकर अय्यर ने ये कह दिया था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और उसकी आप रेस्पेक्ट करिए, और इसके जवाब में पीएम मोदी ने ये कह दिया था कि मैं जाकर घूमकर देखकर आया हूँ, उनके परमाणु बम की ताकत मैंने खुद चेक करी है। तो ये सारी चीजें यहाँ से शुरू हुई है जो अब अलग रूप ले रही है। क्या पाकिस्तान सक्षम है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। हाल ही में फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ने प्रोटेस्ट किया था पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वीपन के खिलाफ, और यहाँ इन्होंने कहा था पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को रोक लेना चाहिए, कब्जे में ले लेना चाहिए, इनके न्यूक्लियर हथियार दुनिया भर के लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। इन्होंने ये भी कहा कि 27 मार्च 1948 को ईस्टर्न पाक बलूचिस्तान को इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने
ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। अभी जो रिपोर्ट कहती है वो रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान के पास कुल 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और ये 2025 तक इसे 200 करने वाला है। अमेरिकी एटॉमिक साइंटिस्ट इस बात का दावा करते हैं कि ऐसा होने वाला है। और इन सब के बीच में एक और भी दावा किया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान तो जहां न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, पाकिस्तान का टारगेट एक ही है और वो टारगेट है भारत। और उनका कहना है कि भारत का S-400 भी इसे रोक नहीं पाएगा और पाकिस्तान के पास भी MIR भी है, यानी कि अलग अलग वॉरहेड से ये भारत के कई जगहों पर हमला बोल सकेंगे और ये भारत के लिए एक बड़ा ही डराने वाला सीन पैदा कर सकता है। अब अभी की अगर बात करें तो अभी स्थिति बहुत खराब है। स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता है और ये जो न्यूक्लियर हथियार है, ये न्यूक्लियर हथियार किसके हाथ लगेंगे कहना मुश्किल है। डेक्कन हेराल्ड की एक खबर देख सकते हैं, ईरान के साथ अभी ये दोस्ती करने चले थे लेकिन ईरानी फोर्स ने पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न इलाके में हमला बोला है और यहाँ पर 4 लोग मारे गए हैं। अब ये 4 पाकिस्तानी कैसे थे, क्या थे, इनका कहना मुश्किल है। ईरान के साथ दोस्ती की बात चल रही है और रईसी के शोक समारोह में जब शहबाज शरीफ पहुंचे थे तब ऐसा लगा था जैसे दोनों के बीच दोस्ती बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी। हालांकि खामनेई ने उस वक्त भी चेताया था और कहा था कि पाकिस्तान को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, एक मौका है और इस मौके को बनाने की जरूरत है, साथ मिलकर चलने की जरूरत है। ये बात खामनेई ने कही थी और खामनेई ने इस चीज को पोस्ट भी किया था। ऐसे में अब ठीक इस पोस्ट के बाद ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ईरान और पाकिस्तान के बीच में हमले शुरू हो गए हैं। अब वजह क्या है तो 2 वजहें बताई जाती है। पहली चीज ये बताई जाती है कि ईरान से लगती हुई जो पाकिस्तान की सीमा है वहाँ पर कई सारे आतंकी गिरोह के लोग रहते हैं, ऐसा आरोप ईरान लगाता है। तो वहीं पाकिस्तान भी कुछ इसी तरीके के आरोप लगाता है और पाकिस्तान कहता है कि ईरान के सीमाओं से हमारे यहाँ हमले होते हैं और इस वजह से उसने भी हाल फिलहाल में एक एयर स्ट्राइक करा था। पर इसके बावजूद दोनों तापी परियोजना के लिए बात कर रहे हैं, गैस परियोजना को आगे ले जाना चाहते हैं। यहाँ जो इलाका है ना, इस इलाके से कई सारी चीजें होती है, जैसे कि इस इलाके से कहा जाता है तेल की चोरी भी खूब होती है और इस क्रम में भी कई ग्रुप आपस में लड़ते रहते हैं। कहा जाता है इस तेल चोरी के क्रम में भी कई बार झड़पें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये चीजें दिखला रही है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर में अभी सब कुछ एकदम नॉर्मल नहीं हुआ है। वैसे ये चीजें इतनी जल्दी नॉर्मल होने वाली भी नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।